हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल की तरफ से आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन की, जो कि होने वाला है गूगल पिक्सल 5। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल पिक्सल 4 की सक्सेस के बाद गूगल लाने जा रहा है गूगल पिक्सल 5। ये स्मार्टफोन बेटर रहने वाला है गूगल पिक्सल 4 से। फ्रंट पेज टॉक ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें यह अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर एक लीक पिक्चर्स निकल कर आई हैं, जो कि है गूगल पिक्सल 5 की। इसमें आप उसका बैक पैनल देख सकते हैं और उसका कैमरा डिज़ाइन। इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एक LED फ्लैश लाइट के साथ। इसमें आपको मेन सेंसर मिलने वाला है और अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक टैप सेंसर भी इसमें आपको दिया जाएगा। इसका जो कैमरा डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही डिफरेंस दिया गया है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S20, एप्पल आईफोन 12 और गूगल पिक्सल 4 के। और इसी के साथ अगर हम इसकी फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको एक बहुत ही बड़ी बेजल्स देखने को मिलेगी टॉप में, और बॉटम में एक थिन बेजल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसी के अंदर आपको एक सेल्फी कैमरा दिया जाता है और एक स्पीकर ग्रिल। अगर हम बात करें इस तरह के डिज़ाइन की तो ये एक बेटर डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू इस कटआउट स्क्रीन के या फिर वाटर ड्रॉप नॉच और पंच होल कैमरा डिज़ाइन के। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का कैमरा डिज़ाइन आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की। ये इवेंट चाइना में होने वाला था और इसको अब कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कुछ दिनों से चाइना में कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं और इस वायरस के चलते कहीं पर भी आने जाने से कतरा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्मार्टफोन कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उसके कस्टमर्स हैं उनको इस तरह का कोई वायरस वो इन्फेक्टेड हो, और इसी के चलते कोई भी स्मार्टफोन कंपनी इस लॉन्च इवेंट में नहीं जाना चाहती। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ने ये इवेंट कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और स्मार्टफोन से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह से सभी लेटेस्ट और स्मार्टफोन से जुड़े टेक्निकल अपडेट वाली वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। Thanks for watching.